नमस्कार, बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार के जवाब में नाराज तेजस्वी यादव ने कहा है कि न जाने कैसे कैसे लोग मंत्री बन जाते हैं। इसके बाद तेजस्वी अपने विधायकों के साथ सदन से बाहर चले गए। दरअसल गन्ना उद्योग से जुड़े मुद्दे पर अध्यक्ष की इजाजत से तेजस्वी यादव पूरक सवाल पूछ रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से लगातार टोकाटाकी की जा रही थी। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष को कड़े शब्दों में चेताया वो आसन को निर्देश ना दें। सवाल पूछने के दौरान हो रही टोकाटाकी से तेजस्वी यादव इतने नाराज हो गए कि कह डाला, अरे यार कैसे मंत्री बना दिया जाता है आप लोगों को, कहां से आ जाते हो, जवाब आता नहीं है। इतना बोलकर तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ सदन से बाहर चले गए। इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। याडा को जो जमीन दी गई 2442.41 एकड़, हम जानना चाहते हैं कि कब दी गई। अरे पूछने दीजिए, बंद हो रहे थे। ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है? नियमावली से चलेगा, बैठ जाइए आप लोग बस। और नेता प्रतिपक्ष आप बोलिए ना, आप बोलिए। याडा को जो जमीन कान में लगा लीजिए, कान में लगा लीजिए तब ना सुनेंगे हम। आप बैठ जाइए संजय सरावगी जी, बैठ जाइए। नहीं बैठिए आप, नियम आसन का नियम सर्वोपरि है, बैठ जाइए आप लोग। नहीं गलत है, आप डायरेक्शन मत दीजिए, बैठिए सब लोग, बैठिए सब लोग, बैठिए आप छोड़ दीजिए, बैठिए सब लोग बैठिए। डायरेक्शन कतई मत कोई दीजिए सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष। जब हमने अनुमति दिया कि इसे पूरा को सुना देंगे, ग्राह कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, आप खाली सुनाइए। अध्यक्ष महोदय, बियाडा को इन्होंने जमीन दी, जमीन जो है 2442.41 एकड़ जमीन दी गई। हम जानना चाहते हैं जब भी कोई बियाडा को जमीन दिया जाता है तो बाई लॉज कहलाता है कि टाइम बाउंड के अंदर पूरा कुछ एक लाइन में उनको बता रहे, टाइम बाउंड के अंदर उसका अलग से जरा बतिया लीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि जो, अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चले। बिहार में आरजेडी विधायकों को नल जल योजना में हो रहे घोटाले के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आरजेडी विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नल जल योजना जनता को लूटने का तरीका है। सरकार योजना के नाम पर अधिकारियों की मदद से करोड़ों रुपया का लेन देन कर रही है। बना हुआ था उसको फोड़ कर डेढ़ फीट पर वो पाइप बिछाया गया है। सरकार कहीं न कहीं वार्षिक टैक्स उससे ले रही है, इसलिए यह काम पूरा नहीं हो सका। इसलिए साथ ही इसे योजना लूट का योजना है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर बगहा अनुमंडल कार्यालय के सामने राष्ट्रीय जनता दल के युवा जिलाध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजद जिलाध्यक्ष पप्पू यादव बिहार सरकार पर जमकर बरसे और महंगाई के खिलाफ आवाज उठाकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आगामी 22 मार्च को बिहार के हर जिले से पटना के लिए रवाना होंगे और 23 मार्च को अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे। इससे पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ है महंगाई को लेकर और कानून व्यवस्था, शिक्षा, ये मतलब किस किस बात का मुद्दा हम लोग रखे, ये तो लगातार हम लोग पार्टी के दिशा निर्देश पर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के दिशा निर्देश पर एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब साहब जी के दिशा निर्देश पर हम लोग लगातार युवा राजद, राष्ट्रीय जनता दल के भी कार्यकर्ता सभी मिलजुल कर ये धरना प्रदर्शन लगातार आप लोग के सामने, आप लोग देख ही रहे हैं, कर रहे हैं। हम लोग एक ही मुद्दा है, महंगाई बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल, गैस सबका दाम बढ़ता है, लगातार बढ़ रहा है।
किसानों की भी समस्या है, मगर किस किस समस्या के बारे में हम लोग अवगत कराएं। हम लोग लगातार जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को एक चीज़ सिखाने के लिए सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। अगर सरकार इस अगर नहीं निकली निकम्मी सरकार नहीं संभलती है आने वाले समय में, इससे भी विधिवत रोड पर हम लोग आंदोलन करने के लिए। सरकार की ओर से बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर में बैंक कर्मी दो दिवसीय हड़ताल पर है। इसी कड़ी में बिहार के सुपौल में बैंक कर्मियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों ने जिले के सदर बाजार से के अलग अलग मार्गों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि बैंकों के निजीकरण किए जाने पर आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सरकार केवल कॉरपोरेट क्षेत्र को फायदा पहुंचाना चाहती, उन्होंने आम जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। अगर आज बैंक प्राइवेटाइज हो जाती है तो फिर से गरीब वर्ग को लोन नहीं मिलेगा। जितने भी सरकारी स्कीम है उसको सरकारी बैंकें ही इंप्लीमेंट करती है, कोई भी प्राइवेट बैंक अभी सरकारी स्कीम के तहत नहीं है। सिर्फ कॉरपोरेट लोन लेके है, ये आम नागरिक के लेके नहीं है। उस पर सरकार कड़ी कदम नहीं उठा रही है, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से कॉरपोरेट को ही सरकार मदद कर रही है, आम नागरिक को मदद नहीं कर रही है। अभी जितना भी जनधन योजना जो भी सरकारी योजना है, एक भी प्राइवेट बैंक थोड़ी करती है, सारा सरकारी बैंक करती है, तो क्यों प्राइवेट के हाथों बेचा जाए? जन कल्याण का जितना भी काम है उनका काम जन कल्याण के लिए होता है। आज जितने भी बैंक के ब्रांचेज अगर ग्रामीण इलाके में है तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंक हैं जो कि निचले स्तर के लोगों के लिए काम करती है। अगर वो प्राइवेट के हाथ में चले वहाँ से जरूर है जो वहाँ से अपना ब्रांच हटा लेगी तो फिर वो जन कल्याण के लिए हम सरकार चुनते हैं और वो फिर तो जन कल्याण के लिए कहाँ रह जाएगी? वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉरपोरेट को खुश करने के लिए बैंक बेच रहे हैं। आज के डेट में जितना भी एनपीए है वो सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट लोगों का है। अगर कॉरपोरेट आज कहते हैं हम आपका लोन रिपे नहीं कर पाएंगे तो वो फिर खरीदने के लिए वही आदमी तैयार है, कहाँ से तैयार है? आखिर सरकार की नीति क्या है वो स्पष्ट करे, और ये निजीकरण को जो भी है जन कल्याण विरोधी है इसको खत्म करे, निजीकरण को बंद करे, निजीकरण नहीं करे, यही हम लोगों का डिमांड है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update.